जय हिंद। कल से भारतीय आम पब्लिक को जो सबसे ज्यादा सवाल परेशान कर रहा है वो ये है कि क्या अब यूपीआई पर 2000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करने पर 1.1% का चार्ज लगेगा। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे आपके मोबाइल में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे होते हैं और आप किसी दुकान पे जाते हो, उसका बारकोड स्कैन करते हो और पैसा अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में भेज देते हो। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर अब 2000 से ज्यादा का आपने ट्रांजेक्शन किया, 2000 से ज्यादा पैसे भेजे, तो आपके ऊपर 1.1% का चार्ज लग जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये चार्ज असल में लगेगा और लगेगा तो किस पे लगेगा। दोस्तों, यूपीआई की जो देख रेख करने वाली संस्था है वो भारत में है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी के अंतर्गत जो एप्स हैं जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, ये सब काम करते हैं और ये क्या करते हैं, आपके अकाउंट से पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में भेज देते हैं बिना किसी चार्ज के। अब नई बात ये आ गई है कि अगर 2000 से ज्यादा भेजोगे तो 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा। भारत जैसे देश में जहाँ 40% से ज्यादा आबादी जो है यूपीआई का यूज करती है और ये प्रतिशत धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। 2000 रुपए से ऊपर का जो भी ट्रांजेक्शन कर किया जाता है वो किसी बड़ी कंपनी के द्वारा किया नहीं जाता है। हम आप जैसे मध्यम परिवार के लोग ये सब काम करते हैं, सब्जी, तेल, साबुन, सोडा खरीदने में। अगर यहाँ पर भी चार्ज लग गया तो ये सारे लोग यूपीआई छोड़ देंगे और कैश में लेन देन होने लगेगा। तो हम आपको बता दें कि हमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चाहे फ़ोन पे से, चाहे पेटीएम से, चाहे गूगल पे से दुकान पे जाइए, उसका बारकोड स्कैन करिए, उसको पैसे भेज दीजिए, आपसे किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। तो फिर यह चार्ज लगेगा किस पे? चार्ज लगेगा PPI पर, यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर। जैसे आपके पास पेटीएम है तो पेटीएम में आप क्या करते हैं, सीधे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। लेकिन यहीं पर पेटीएम में होता है पेटीएम वॉलेट। अगर आप अपना अकाउंट से कुछ पैसा पेटीएम वॉलेट में डालते हैं और फिर पेटीएम वॉलेट से आप जो है उस पैसे का ट्रांजेक्शन किसी दूसरे अकाउंट में करते हैं, तब यहां पर ये चार्ज पैदा हो जाएगा, यानी कि यहां पर चार्ज ये लगने लगेगा। लेकिन यहां पर सबसे खास बात यह है कि जो व्यक्ति, जैसे कि आप किसी दुकान पर गए और आपने पेटीएम वॉलेट से किसी को 4000 रुपये पे किए, तो आपसे ये चार्ज नहीं लगेगा। ये चार्ज किससे लगेगा? जो पैसा ले रहा है, यानी कि दुकानदार से। समझ गए? अगर इस बात को आप ना समझ पाए तो दुकानदार वो 1.1% का चार्ज भी आपसे ले लेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि NPCI ने साफ साफ कहा है कि UPI पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। पेटीएम ने भी कहा है कि किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जा रहा है, जो भी चार्ज लिया जाएगा वो PPI यानी के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर लिया जाएगा। वॉलेट में जो पैसा होगा वो पैसा जब ट्रांसफर किया जाएगा तो दुकानदार से वो 1.1% का चार्ज लिया जाएगा। यानी के UPI अभी बिल्कुल फ्री है और आगे भी फ्री रहेगा। इसमें किसी तरह का किसी भी व्यक्ति को कोई चार्ज नहीं देना है, जिसको जितना पैसा भेजना है आराम से भेज सकते हैं।